अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुझी डॉक्टर बारी नायक, टर्मिनेटर प्रोफेसर। आज करो इसका यस EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट दिन तथा मज कौत बोड़ बार फ्रॉड न कि सिर्फ अगर कह एग्जाम फोर्थ क्लास कर क्वालिफाई तमें EWS सर्टिफिकेट जरिए या इवन गजटेड ऑफिसर एग्जाम जैसे KAS या असिस्टेंट प्रोफेसर नेट तो सेट एग्जाम दिवन एग्जाम बहवान तम फेक एंड फॉर्जरी या फ्रॉडुलेंटली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट यूज कर तथ पोस्टस पे मतलब जपट मारन तो खेवन गरीबन तो मिडिल क्लास फैमिलीजन हक वन अगर वो चाहे कह करो SSC एग्जाम SSB एग्जाम नर्सिंग MBBS एग्जाम या इवन नेट तो सेट एग्जाम बह उसके लिए वो तैयारी करेगा और उस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा वो भी इसी सर्टिफिकेट के थ्रू उसको क्वालिफाई होता है या इवन KAS का जो एग्जाम होता है कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम जो होता है उसमें KPS होता है KAS होता है डिफरेंट सर्विसेज होता है आप खुद समझिए अगर कोई KAS का एग्जाम क्वालिफाई करता है KPS का एग्जाम क्वालिफाई करता है पुलिस ऑफिसर बनता है या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनता है कल वही DC बनता है और वही क्या करता है वो जो भी आवाज उठाता है सोसाइटी में उसको अनलॉफुल में बुक करता है। अगर तहसीलदार बनता है तो वो वैसे वैसे गपले करता है यू नेवर इमेजिन आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। अब हम बात करेंगे दो सर्टिफिकेट्स की RBA रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड कोई भी बंदा जो रेजिडेंशियली बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता है उसके लिए सर्टिफिकेट बनती है या EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसको कहते हैं EWS मीन्स जो इकोनॉमिकली अच्छे लोग नहीं होंगे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत कम होगी उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है उस पर कैसे अपॉइंट किया जाता है इन चीजों के जरिए चाहे RBA हो या EWS हो उस सर्टिफिकेट पे बहुत सारे डॉक्टर्स अपॉइंट हुए हैं बहुत सारे इंजीनियर्स अपॉइंट हुए बहुत सारे KPS अपॉइंट हुए या हाई ऑफिशियल हाई रैंक वाले ऑफिशियल्स भी उस पर अपॉइंट होते हैं। अब देखते हैं EWS जो है ये इसका फुल फॉर्म जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है लेकिन यहां जम्मू एंड कश्मीर में लोग इसको कैसे मिसयूज करते हैं इसका मैंने अब दूसरा नाम रखा है ESS या ERS। ESS का मतलब होता है इकोनॉमिकली रिच सेक्शन या इकोनॉमिकली साउंड सेक्शन उन लोगों को ये मिलता है ये गरीब लोगों के लिए नहीं है मिडिल क्लास के लिए नहीं है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है जो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की सर्टिफिकेट बनती है इसका क्राइटेरिया क्या है फर्स्ट क्राइटेरिया है 8.5 लाख साढ़े 8 लाख से आपकी आमदनी कम होनी चाहिए एक साल में दूसरी 40 कनाल से आपकी जमीन कम होनी चाहिए तीसरा आपका जो घर का एरिया है सहन जो घर बना होता है उसका 1850 स्क्वायर फीट से कम लैंड होना चाहिए मीनस 1850 स्क्वायर फीट से कम जमीन होनी चाहिए आपकी घर जो आपने घर बनाया है उसकी लैंड। और अब RBA का क्या है RBA का मतलब होता है उस बंदे ने उस बच्चे ने अपने गांव में पढ़ा होगा उसका जो अब्बू या बाकी लोग होने चाहिए उनकी ईयरली इनकम 8.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उनकी उससे कम होनी चाहिए तो और जो स्कूलिंग हुई होनी चाहिए वो गांव में ही होनी चाहिए लेकिन ये दोनों चीजें ताक पे रखे जाते हैं और ये सब चाहे MBBS हो चाहे अभी KAS का लिस्ट हो चाहे नर्सिंग का लिस्ट हो चाहे फोर्थ क्लास एम्प्लॉय हो सेकंड क्लास सब वायलेट किया जाता है और इन सर्टिफिकेट्स का मिसयूज किया जाता है। आज हम बात करेंगे KAS के लिस्ट में अगर आप देखेंगे सीरियल नंबर फाइनल लिस्ट में सीरियल नंबर 195 मोहम्मद अब्रार EWS सर्टिफिकेट लेके मतलब क्वालिफाई करता है KAS का एग्जाम। अगर प्रेजेंटली देखेंगे वो एज ए पटवारी काम करता है 2013 बैच का लगा हुआ है और आजकल उसकी पोस्टिंग उधमपुर साइड में खुद का रहने वाला है बंदा। अब मोहम्मद अब्रार इनके जो स्टेप उबू है मतलब वर्मोल वो क्या है वो रिटायर्ड DYSP है DSP है और जो इनके रियल फादर है मुश्ताक साहब उनकी लैंड बहुत ज्यादा है वो इकोनॉमिकली वीकर नहीं है मोर देन 8.5 लाख इनकी इनकम है और खुद भी अब ये कमाते हैं। अगर उबू की और इनकी इनकम को कंबाइन किया जाए तो 20 लाख 30 लाख 40 लाख इनकी इनकम होगी ईयरली लेकिन ये एंजॉय कर रहे हैं EWS और ये एंजॉय अब करेंगे एज ए गैजेटेड पोस्ट पे ये कल KAS बनेंगे और आप लोगों पे फिर रूल और आप लोगों पे फिर धारा मारेंगे आप लोगों को फिर जार देंगे कल यही DC होंगे एडिशनल DC होंगे कल यही तहसीलदार होंगे और आपको यही जाड़ेंगे ये याद रखिएगा। दूसरा सीरियल नंबर है 72 सीरियल नंबर जो एनेक्सर सेकंड में फाइनल लिस्ट में है कैसर बशीर मागरे। कैसर बशीर मागरे क्लेम करता है कि मैं RBA में हूं इनके अब्बू जो है वो गेस्ट मतलब रिटायर ऑफिशियल मतलब रिटायर हुए हैं और नियर अबाउट 8.5 लाख से ज्यादा सैलरी है इनकी
उसके बाद अगर कनाल देखेंगे तो 100 कनाल से ज्यादा इनकी जमीनें हैं, इनके भाई जो है वो डॉक्टर है। अब इनको आरबीआई मिला कैसे? जब मैंने कंसल्ट किया, जब मैंने कंफर्म किया, मैंने वहां गांव में कॉल की तो पता चला कि इनने गांव से प्राइमरी एजुकेशन हासिल नहीं की। जब इन्होंने गांव से प्राइमरी एजुकेशन हासिल नहीं किया तो आरबीआई दिया किसने इनको? और जब भाई भी गजिस्टर ऑफिसर, खुद भी डॉक्टरी किए हुए हैं और अबू भी रिटायर अच्छी खासी पोजिशन पे, तो इनको आरबीआई मिला कैसे? आप मुझे ये बता दीजिए। मीन्स कहीं ना कहीं हम आरबीआई सर्टिफिकेट्स और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स को मिसयूज करते हैं, मिस रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सेक्शन 465, 466, 471, 468 के अंडर में इनको सीधे बुक होना चाहिए। ऐसे मतलब जो भी इसका मिसयूज करते हैं, चाहे जो देने वाला होगा वो भी मिसयूज करता है, चाहे वो सबमिट करने वाला है वो फ्रॉडुलेंटली अपॉइंट होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में या गजेटेड ऑफिसर वो बनता है फ्रॉडुलेंटली, लेकिन हम उस पे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे केसेस है जो केएस का लिस्ट है, आप उनकी वेरिफिकेशन कीजिए। गवर्नमेंट से मेरी दरखास्त है उनकी वेरिफिकेशन कीजिए कि वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दी किसने, क्या ये क्राइटेरिया वहां फॉलो होता है, आरबीआई का ये क्राइटेरिया फॉलो होता है और आप लोगों ने लिस्ट निकाली और कल यही गजेटेड ऑफिसर होंगे। जो एक बार चोरी करेगा वो बार बार चोरी करेगा, इस वजह से करप्शन हमारी सोसाइटी में बढ़ता है। और एक चीज जो पिछले साल लिस्ट आई थी, प्रीवियस ईयर की केएस की लिस्ट अगर हम देखेंगे 2021-22 की, उसमें एक कैंडिडेट अगर हम देखेंगे उसमें है रतनदीप शर्मा। रतनदीप शर्मा जो है वो किसका बेटा था? वो चेयरमैन बीआर शर्मा का बेटा था। अब इसको इन करने के लिए जब मैंने इनकी स्टडी की, इनके मार्कशीट की स्टडी की, तो उनको जीएस में मिला है 168.5 आउट ऑफ 250, 215 मार्क्स 68.5 एम एस जी एस फर्स्ट, जी एस सेकंड अखत्मू ये तिमे स्टडी कर ये टॉपर पत्मी वरीक्ष। उनके जब मैंने मार्कशीट दिए, उन्होंने क्या किया है पीएससी मेंबर से, उन्होंने उनको जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड में एज दिया है। जब एज दिया है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिया, तो ऑटोमेटिकली वो इन हुए हैं। जो इवन क्रीम स्टूडेंट्स है, जैसे एक क्रीम स्टूडेंट का ऑप्शनल सब्जेक्ट में 250 में 148 है, 250 में 147 है, उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स है, लेकिन उनको जीएस में कम दिया गया, जीएस थर्ड में उनको कम दिया गया, जबकि वो डिजर्व उससे ज्यादा करते हैं। और जब ये कैंडिडेट्स वहां जाते हैं पीएससी ऑफिस, कहते हैं कि आप लोगों ने हमें कम मार्क्स दिया, इनके क्वेश्चन 10 में से 1 मार्क्स मिला, 2 मार्क्स मिला, कहा कि आपका जो ये लॉट है ये कहीं और चला गया, वहां हार्ड मार्किंग होगी। इज दिस जस्टिस? इज नॉट इट शेम फॉर द पीएससी मेंबर्स? ये शर्म की बात नहीं है? आप अपने बच्चों को तो वहां पर भेज देते हैं अपना लॉट जहां उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और वहां उनके उन गरीब मिस्कीन और जो कमजोर लोग हैं उनके लॉट्स वहां जाते हैं जहां उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। आप उनको 10 में से 1 मार्क्स देते हैं, 20 में से 1 ये एग्जामिनर दे दिया। अब वो बंदा कोर्ट भी नहीं जा सकता, वो बंदा क्लेम नहीं कर सकता। वो बंदा क्यों नहीं कर सकता क्लेम? क्योंकि वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। वो बंदा इसलिए सिलेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो पुअर क्लास से बिलोंग करता है। उसकी ईवीएस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन सकती है क्योंकि वो मिडिल क्लास और पुअर क्लास है। उसकी आरबीएस सर्टिफिकेट नहीं बन सकती है क्योंकि वो मिडिल क्लास और पुअर क्लास सेक्शन आप सोसाइटी से बिलोंग करता है, इसलिए उसकी बैकवर्ड नहीं मिल सकती है, उसकी वीकर सेक्शन की सर्टिफिकेट नहीं मिल सकती। ये उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी अच्छी पोजीशन पे है, ये उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली साउंड सेक्शन से बिलोंग करते हैं। ये उन गरीब उन मोहताज लोगों के लिए नहीं है जो डिजर्व करते हैं। इवन अगर वो क्लेम भी करे कि हमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उनको पापड़ पेलने पड़ते हैं, उनको एक तहसीलदार वो इशू नहीं करता है क्योंकि उनका पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, उनका इकोनॉमिकल अप्रोच नहीं है। अगर यही चलता रहा, यही चलता रहा, तो जो गरीब पसमानदा का हमारे कौम है, जो गरीब और लाचार लोग हैं, वो और लाचार हो जाएंगे और वो कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में इन नहीं होंगे। और फिर वो एक दिन पढ़ाई भी छोड़ेंगे, एक दिन कंपटीशन भी छोड़ेंगे, और फिर ये सब कुछ आता है जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उस पे जाता है कि वो किसान कहां जाए, वो गरीब कहां जाए, वो मजदूर कहां जाए, ये उन पे सवालिया निशान है। बाकी थैंक यू।